यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। कोटखाई मामले में हिरासत में लिए गए मुख्य आरोपी नीलू ने सीबीआई के सामने अपना जुर्म कबूल लिया है। पुलिस और सीबीआई की टीम ने सोमवार सुबह आरोपी को निशानदेही के लिए घटनास्थल पर ले जाकर पूछताछ की। सीबीआई के मुताबिक पूछताछ के दौरान आरोपी ने इस घटना को अंजाम देने की बात कबूल कर ली है। सीबीआई द्वारा हिरासत में लिया गया आरोपी, उसका नाम नीलू बताया जा रहा है, जो कि मंडी का रहने वाला है, वो चरानी और गुड़िया मामले के बाद से ही गायब था। जानकारी के मुताबिक आरोपी को कोटखाई लाने की सूचना मिलते ही भारी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। दरअसल 4 जुलाई 2017 को कोटखाई की एक छात्रा की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई थी। इसके बाद 6 जुलाई को कोटखाई के जंगल में उसका शव मिला था। इस मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे। इनमें से सूरज की कोटखाई थाने में 18 जुलाई की रात को हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि राजू की सूरज से बहस हुई और उसके बाद राजू ने उसकी हत्या कर दी और सीबीआई ने इन मामलों में केस दर्ज किया था।